अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 26 करेंगे। इसमें हमने आज नॉन रेगुलर लैंग्वेज देखनी है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लेक्चर नंबर 25 में देखा था। थोड़ा सा हम वहाँ से एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसकी डिटेल देखेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। नॉन रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई थी, द लैंग्वेज डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाई एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नॉन रेगुलर लैंग्वेज। जिसका मतलब है कि वो लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस ना की जा सके वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस ना की जा सके वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। उसके बाद इसकी दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एक पैलिंड्रोम है और दूसरी है प्राइम। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो इसके बारे में लिखी हुई है वो ये है कि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती हैं इनको ना तो FA एक्सेप्ट करता है और ना ही TG। इसकी ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल देखिए, उन्होंने 10 स्टेट्स बनाई हैं और ये सारी इस तरह हैं कि ये जो है इनफिनिट स्टेट है, कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही। स्टार्टिंग का तो इसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है लेकिन कहीं पे भी इसकी एंडिंग नहीं हो रही, तो ये एक इनफिनिट स्टेट बनी हुई है। ठीक है, तो इनफिनिट स्टेट ये बताती है हमें कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो अब हमने इस नॉन रेगुलर लैंग्वेज इनफिनिट स्टेट के हवाले से ना यहाँ पे उन्होंने 26 लेक्चर में थ्योरम दिए हुए हैं, तो हमने थ्योरम करना है। यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम नहीं है, मतलब एक समझ लें उन्होंने नाम लिया हुआ है उसका, पंपिंग लीमा इसे कहा जाता है। तो ये हमने जो है वो करना है, इसकी उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसे हमने प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या है कि वो कहता है आपके पास एक L लैंग्वेज है। ठीक है, वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज तो है लेकिन वो इनफिनिट लैंग्वेज है। ठीक है, एक L लैंग्वेज है जो इनफिनिट रेगुलर लैंग्वेज है। तो उसमें जो है आप तीन तरह की स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो इनमें से जो एक्स और जी हैं ये दोनों तो नल हो सकती हैं लेकिन वाई आपकी कभी भी नल नहीं हो सकती। ये चीज़ें उसने स्टेटमेंट में बताई हुई हैं और आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हुए हम क्या लिखेंगे ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी अगर ये क्वेश्चन आए तो इसे किस तरह सॉल्व करना है। तो प्रूफ में आपने लिखना है कि अगर हमारे पास एक L लैंग्वेज है जो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका ज़रूरी है कि उसका कोई FA होगा। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं उनका जो फिनिट ऑटोमेट है वो ज़रूर होता है। तो अगर हमारे पास L एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका FA ज़रूर होगा, और अगर इनफिनिट रेगुलर लैंग्वेज का FA है तो वो FA मस्ट है कि उसकी फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी और इनफिनिट जो है उसके वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं। हमने प्रूव में क्या लिखना है कि हमारे पास L एक रेगुलर लैंग्वेज है। दूसरा स्टेप हमने ये लिखना है कि अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका एक FA ज़रूर होगा, कोई ना कोई FA ज़रूर होगा। थर्ड में हमने लिखना है कि अगर उसका जो भी FA है उस FA में फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे और इनफिनिट वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें। उसके बाद हमने लिखना है अगर वर्ड की लेंथ जो है, अगर वर्ड की लेंथ ग्रेटर है स्टेट्स के, ये लिखा हुआ है ना, इफ़ वर्ड्स लेंथ इज़ ग्रेटर देन स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स। ये मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। देखें, यहाँ उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, ये है हमारे पास एक वर्ड, तो इसकी लेंथ काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी लेंथ है 8। ठीक है, कितनी लेंथ है हमारे वर्ड की, जो लेंथ है वो है 8, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 6। तो कहता है अगर आपके वर्ड जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स से ग्रेटर है, ठीक है ना, क्या कह रहा था कि अगर आपका जो वर्ड है वो अगर बड़ा है आपके स्टेट से, यही वो कह रहा है ना यहाँ पे, कहाँ है ये देखें, वो कह रहा है अगर आपके वर्ड की लेंथ जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स से बड़ी है तो आपने क्या करना है, अपने वर्ड को डिवाइड कर देना है तीन पार्ट्स में। ठीक है, ये चीज़ें आपने बस इसमें लिखनी है आगे में। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक आपने एक्स, वाई और जी, तीन पार्ट्स में आपने इन्हें डिवाइड कर देना है, एक्स में, वाई में और जी में। और आपने लिख देना है कि एक्स नल हो सकता है और जी भी नल हो सकता है लेकिन वाई नल नहीं हो सकता। अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाता है तो आपने ये इतने स्टेप लिखने हैं, आपका ये पंपिंग लीमा जो है ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हमारा पंपिंग लीमा 1 है, पंपिंग लीमा 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसे भी हम डिटेल से देखेंगे।
तो आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे. एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, अगर ये रेगुलर है तो इसका कोई एफ ए होगा, अगर एफ ए है तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स फिनिट होंगी और वर्ड्स इनफिनिट होंगे. अगर वर्ड की लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से बड़ी है तो आपने वर्ड को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना है. तीन हिस्से कौन से? एक्स, वाई और जी, जिनमें से एक्स और जी नल हो सकते हैं लेकिन वाई नल नहीं हो सकता. ठीक हो गया. अब हम इसी के नीचे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में उसने हमें वर्ड दे दिया हुआ है, ठीक है. तो वो कहता है इसे अप्लाई करें, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इसे चेक करें, अगर ये बड़ा है तो फिर इसे अप्लाई करें और इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करें, जो हम कह रहे थे कि एक्स, वाई और जी तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना है. तो चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये एक वर्ड है, तो वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ताकि जो है ना, एक मिनट, इसे हम कॉपी करके लिख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से नज़र आता रहे यहाँ पे. ठीक है, ये हमने वर्ड लिख लिया है. तो ये हमारे पास जो है वर्ड है, ठीक हो गया. तो इस वर्ड को हमने जो अब यूज़ करना है, तो इस वर्ड को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हम पहले देख लेते हैं हमने एक्स, वाई और जी कैसे फाइंड करना है. सबसे पहले हमने फाइंड करना है एक्स, ठीक है. एक्स हमने कैसे फाइंड करना है? वो कहता है कि दी सब स्ट्रिंग विच जनरेट्स द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द स्टेट विच इज़ रिविजिटेड फर्स्ट. ये मैं आपको बाद में डिटेल से बताती हूँ, पहले एग्जाम्पल से बताती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखें, वो कहता है कि आपने इसे अप्लाई करना स्टार्ट करना है. सबसे पहले क्या है? बी. आप यहाँ पे खड़े हुए थे, उसने क्या कहा? बी. तो आपने बी किया तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वो कहता है बी. तो आपने फिर बी किया तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है. नेक्स्ट फिर क्या है? बी. तो आप यहाँ से फिर बी करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ पे. और यहाँ फिर क्या है? ए. तो आप आ गए यहाँ पे. अब यहाँ हो गया दो. अब हम यहाँ पे टू पे कितनी दफ़ा आ गए हैं? दूसरी दफ़ा, ठीक है. तो वो कहता है वो जगह जहाँ आप सबसे पहले दूसरी दफ़ा जाएंगे, ठीक है ना. बाकी सब पे हम एक एक दफ़ा गए ना, वन पे भी एक दफ़ा गए, थ्री पे भी एक दफ़ा गए, फाइव पे भी. जहाँ आप सबसे पहले आप जाएंगे ना दूसरी दफ़ा, ठीक है, रीविजिट जहाँ आप सबसे पहले करेंगे, उसको आपने हाईलाइट कर लेना है. और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से आपने देखना है कि यहाँ तक पहुँचने में आपको कौन सी स्ट्रिंग यूज़ हो रही है. तो यहाँ तक पहुँचने में आपको बी स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, तो इसलिए जो आपका एक्स है वो हो जाएगा बी, ठीक है. ये देख, ये आपका एक्स लिखा हुआ है, तो आपका एक्स हो जाएगा बी, ठीक हो गया. वो कह रहा है दी सब स्ट्रिंग विच जनरेट्स द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू, इनिशियल स्टेट से कहाँ तक? स्टेट विच इज़ रिविजिटेड फर्स्ट, जिसको सबसे पहले रिविजिट किया जाए, वहाँ तक की जो स्टेट है वो हमारी एक्स होगी, ठीक है. अब हमने फाइंड करना है बी, तो बी भी हम बिल्कुल इसी तरह फाइंड करेंगे. हमारे पास पहले तीन बी हैं, तो पहला बी ऐसे, दूसरा बी और तीसरा बी, ठीक है. और उसके बाद है हमारे पास ए, तो ए करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे. तो हमारा जो फर्स्ट सर्किट बनेगा ना, सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ जो बन जाता है. तो ये हमारे पास पहला सर्किट बन रहा है, ठीक है. जो आपके पास सर्किट बनेगा वो आपका जो है वो होगा, सर्किट की जो स्ट्रिंग होगी, देखिए यहाँ से हमने किया, इधर आए तो हमने क्या लिया? बी. उसके बाद हम इधर आए तो हमारे पास नेक्स्ट था बी, और इसके बाद इधर गए तो हमारे पास आया ए. तो ये हमारा हो जाएगा वाई, ठीक है. तो ये हम देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास ये हो गई बी बी ए वाई की वैल्यू, ठीक है. ये हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है? बी बी ए. तो बी बी ए हमारे पास वाई की वैल्यू है, तो बाकी जो भी बचेगा बी ए बचा है, तो वो हमारा जी हो जाएगा, ठीक हो गया. अब हमें आगे एक रिमार्क दिया हुआ है, इसे आपने अच्छे से देख लेना, ये आपको एज इट इज़ आ सकता है पेपर में, तो इसे आपने देख लेना. इसमें वो कहता है कि अगर आप जो पंपिंग लीमा है, ये जो भी हमने पढ़ा है, इसे डायरेक्ट अप्लाई करें किसी लैंग्वेज पे तो क्या होगा? इसमें आपका एक वर्ड बनता है जिसमें ये देखें, उन्होंने आपको एक्स, वाई और जी जो हैं वो तीनों अलग अलग करके दे दी हैं, ठीक है. तो बस आपने इसे अच्छे से देख लेना है, ये ऐसे ही आपने याद कर लेना है, इसी तरह आपको इसमें से कोई MCQs या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वो कहता है दिस शोज़ डैट पम्पिंग लीमा डज़ नॉट होल्ड एंड हैंस द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर. तो ये हमने प्रूव किया था कि ये जो है रेगुलर लैंग्वेज नहीं है जो पम्पिंग लीमा की है, ठीक है, वो रेगुलर लैंग्वेज को होल्ड नहीं करता. इसके बाद उन्होंने एक हमें ये इक्वल की जो है एग्जाम्पल समझने दी हुई है. हमने ऊपर दो एग्जाम्पल्स पढ़ी थी इसकी, दो एग्जाम्पल्स ये थी उसकी. एक थी हमारे पास
यहाँ पे थी। हाँ ये एक पैलिंड्रोम उन्होंने एग्जांपल बताई हुई थी और एक प्राइम, और इसकी जो थर्ड एग्जांपल होती है वो हमारे पास इक्वल भी होती है। ठीक है, तो ये इक्वल भी इसकी एग्जांपल होती है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल होते हैं। ये देखें, जैसे ए बी के इक्वल है, ठीक है, ये दो ए हैं तो ये दो बी हैं, दो यहाँ भी दो ए हैं दो बी हैं यहाँ भी, और इसी तरह अगर आप तीन ए लेंगे तो तीन बी आ जाएंगे। ठीक है, ये इक्वल होती है। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी बी की वैल्यू होगी, तो हम इसे ए एन बी एन लिख सकते हैं। तो ए एन बी एन किसका फॉर्मूला था? ए एन बी एन जो फॉर्मूला था वो इसका था ना, हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का, है ना। हमने ऊपर देखा था कि ए एन बी एन जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का फॉर्मूला है। तो इस तरह ये प्रूव हुआ कि हमारी जो इक्वल लैंग्वेज है ये भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो बस इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमें यही पंपिंग लीमा वर्जन 2 है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।